निर्देशक होमी अजानिया की फिल्म अंग्रेजी मीडियम आज थिएटर में रिलीज हो गई है और लंबे समय के बाद एक्टर इरफान खान बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इसलिए आज हम आपको वो पांच मुख्य कारण बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी अंग्रेजी मीडियम देखने थिएटर में जरूर जाएंगे। पहला, लीड एक्टर इरफान खान के साथ राधिका मदान, करीना कपूर खान, दीपक डोबरियाल, डिंपल कपाड़िया और पंकज त्रिपाठी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। वहीं फिल्म के रिलीज ट्रेलर में इरफान खान के सिंपल एक्ट से दर्शक बेहद प्रभावित हुए हैं। दूसरा, साल 2018 में इरफान खान को फिल्म कारवां में देखा गया था और अब अंग्रेजी मीडियम से एक सीधे साधे पिता के रोल में इरफान एक बार फिर सबका दिल जीतने के लिए तैयार है और कैंसर की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इरफान खान को देखने के लिए दर्शक थिएटर में जरूर जाएंगे। तीसरा, अंग्रेजी मीडियम में करीना कपूर खान एक स्टाइलिश कॉप के किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म के रिलीज ट्रेलर और पिक्चर से करीना ने पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं और इरफान खान के साथ करीना की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखना बेहद दिलचस्प होगा। चौथा, इस फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के भावुक और प्यार भरे रिश्ते को बयां करती है, जहां इरफान ने राधिका मदान के ऑन स्क्रीन फादर के रोल को निभाया है, जहां अपनी बेटी के लिए खाना तैयार करने से लेकर स्कूल छोड़ना और उसके हायर एडुकेशन की पूरी जिम्मेदारी को पूरा करने के रोल में इरफान खान सबको अपने अभिनय से इमोशनल करने वाले हैं। पांचवा, फिल्म अंग्रेजी मीडियम सिर्फ एक इमोशनल जर्नी नहीं है बल्कि फिल्म में कॉमिक पार्ट पर भी निर्देशक ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, जिसकी जिम्मेदारी एक्टर दीपक डोबरियाल ने संभाली है और फिल्म में इरफान और दीपक के बीच ऐसे कई फनी सीन्स आएंगे जो ऑडियंस को बहुत हंसाने वाले हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।